हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं फ्लावन फिश का। जैसा कि आपने देखा, अनबॉक्सिंग किया था एक हफ्ता पहले, इसको अनबॉक्सिंग किया था, थोड़ा कलर फेड कर चुकी थी और थोड़ा हेड डाउन कर चुकी थी। तो मैंने कहा था कि एक हफ्ता बाद मैं इसको एक्चुअल उसका कलर और पोटेंशियल दिखाऊंगा किस तरह की फिशेस है। तो आज मुझे लगता है कि एक हफ्ता हो चुके हैं तो इसका अपडेट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था, तो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आता हूं, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं फ्लावन के बारे में जो मैंने लेके आया, और उसका प्राइस रिवील करने वाला हूं। लास्ट टाइम बहुत सारे प्राइस अच्छे से अच्छे लोग जो है गेस कर रहे थे, और नियर बाई सब लोग गेस कर रहे थे, कोई ज़्यादा गेस कर रहा था, कोई कम गेस कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्चुअली इसका प्राइस बताऊंगा, कितना इसका कॉस्ट मैंने जीशान भाई से लिया है, और कितना आप बताओ कि अभी ये वर्थ है या नहीं। आज आपको एक्चुअल इसका प्राइस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अभी दिखा देता हूँ फिशेस का एक्चुअल पोटेंशियल कैसा हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं फिशेस एकदम स्ट्रेस से बाहर आ चुकी है, जब हम लेके आए थे स्टार्टिंग स्ट्रेस में रहती है, और उसका कलर भी थोड़ा डाउन हो गया था। अभी देख सकते हैं इसका एक्चुअल पोटेंशियल दिख रहा है कि फिशेस किस तरह की है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं फिशेस का एक्चुअल कलर अभी निखर चुका है, तो होप कि और भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक हफ्ते का अपडेट का वादा किया था, एक हफ्ते का अपडेट दे रहा हूँ इसका। अभी देखिए इस बॉडी पे इसके पैटर्न देख सकते हैं, सबसे बढ़िया खास इसकी चीज़ जो है इसके हेड पे पैटर्न जो आए हुए हैं ना, इसके हेड पे और उसकी बॉडी पे एकदम पल्स आए हुए हैं। ये बहुत यूनिक और रेयर होते हैं, हर फिशेस में इस तरह की मिलती नहीं। नॉर्मल एसआरडी आप जो लेते हैं, जो हम लोग सुपर रेड ड्रैगन कहते हैं, उसमें ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके हेड पे इतने मार्किंग मिलते हैं, फेड कलर रहता है। तो ये देखिए अभी इसका बॉडी साइज़ एक्चुअल बॉक्स बड़ी मुझे लग रही है, और ये मैंने लिया था जीशान भाई से 4,500 रुपये में। 4,500 रुपये में मैंने एसआरडी लिया था। तो आप बताओ, अभी आपको एक्चुअल प्राइस बता चुके मालूम हो चुका है। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग अलग अलग प्राइस गेस कर रहे थे, आई नो बहुत सारे लोग नियर बाई थे, बहुत सारे ज़्यादा भी कॉस्ट बोल रहे थे। तो 4,500 में इसका लेना सही रहेगा या नहीं, आप मुझे बताना। अभी ये फीडिंग वगैरह अच्छे से ले रही है, और इसका कलर देख सकते हैं यहाँ पर, इसका यूनिकनेस जो है इसके हेड पे जो मार्किंग आई है ना, वही सबसे बड़ी यूनिकनेस है। और ये गोल्डन बेस है, धीरे धीरे जो है ये गोल्ड कलर ज़्यादा इसकी बॉडी पे देखने के लिए मिलेगा। और अभी एकदम ये एक्टिव है, एकदम पूरा कह सकते हैं कि कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और अभी एकदम एक्टिव है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है स्ट्रेस वगैरह। ये थोड़ा जो बैक ब्लैकनेस है, ये धीरे धीरे और भी चला जाएगा। अभी 70% जो है ये स्ट्रेस से बाहर आ चुकी है, एक हफ्ता हो चुका है। अभी खाना वाना सब आराम से लेती है, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे, रिसेंट अपलोड वीडियो भी अपलोड किए थे, और पानी वगैरह चेंजेस के मैंने वीडियो अपलोड किए थे। तो अभी ये बिल्कुल सेट है, कह सकते हैं बिल्कुल सेट है। और हेड भी देखिए अभी ग्रो, पहले जब हम लेके आए थे इसका हेड डाउन हो चुका था, और भी हेड आना बाकी है, ऐसा नहीं कि इतना ही हेड है। जब मैंने एक्चुअली जब फिशेस ये देखी थी, जब जीशान भाई की शॉप में थी, उसका हेड और भी बड़ा था। और ये नया फीड चेंज होने की वजह से और वाटर चेंजेस होने की वजह से, जगह चेंज होने से थोड़ा टाइम लग रहा है। धीरे धीरे ये अपना कलर और भी पकड़ेगी और हेड भी अपना दिखाएगी। इसको गोल्डन बेस बोलते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, धीरे धीरे गोल्ड ज़्यादा आता है और रेडनेस सामने बड़ी रहेगी, ड्यूअल टोन भी कह सकते हैं, गोल्डन बेस ही एक्चुअली। तो आप बताना कि आज जो हम प्राइस शेयर कर रहे हैं, जो मैंने आपको 4,500 बताया, उसके लिए 4,500 के लिए वर्थ है या नहीं। इतना हेड आया हुआ है और इतना ब्लैकनेस थोड़ा थोड़ा जा रहा है धीरे धीरे ये, और उसका साइज़ जो लगभग अभी 5 इंच है, मेरी उंगली देखिए 3 इंच से थोड़ी बड़ी है, 4.5-5 इंच का ये साइज़ होगा अगर आप बात करें तो। और हेड पे भी मार्क आई हुई देख सकते हैं यहाँ पर, हेड पे भी मार्क आया। तो अभी ये हमारे साथ खेलती है, और जब भी मैं फीड डालता हूँ आपको दिखाता हूँ, फीड डाल के मैं जो अपना फीड मैं डालता हूँ वो फिशेस का फीड डाल के दिखाता हूँ। देखिए जब भी फीड डालता हूँ ये आके खाती है, फटाक के मन खा लेती है। तो एकदम एक्टिव है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, और भी इसका जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो और भी अच्छा इसका कलर निखर के आएगा, और उसकी जब हेड और भी बढ़ेगा इसकी फीड की वजह से, काफ़ी अच्छा सा इसका रिजल्ट आ सकता है। धीरे धीरे हम अपडेट लाते रहेंगे अपने चैनल पे। और इसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप फ्लावन रखो सिर्फ RO वाटर इस्तेमाल करना। मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में भी बताया था, बहुत सारे वीडियोस के ऊपर अपलोड करते रहता हूँ, तो मेरे रील्स भी आप देखते रहना, क्योंकि शॉर्ट्स में भी बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ में। तो मैंने उसमें कहा था कि RO वाटर बहुत इंपॉर्टेंट, टैप वाटर आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है आपके फ्लावन के लिए। RO वाटर इस्तेमाल करो तो आपकी फिशेस कभी भी कलर डार्क नहीं करेगी। तो सिर्फ आपको RO वाटर इस्तेमाल करना है, दूसरा पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना आपके टैंक के लिए, आपके फ्लावन टैंक के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत बेस्ट है, उसमें TDS जो है बहुत कम होता है, और फ्लावन टैंक के लिए ज़रूरी है कि TDS कम हो, इससे फिशेस हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी, वरना आपकी फिशेस कलर फेड हो जाएगा, हेड डाउन हो जाएगा TDS ज़्यादा होने की वजह से पानी के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और फीडिंग जो है डेली 2 टाइम आप फीड कर सकते हो, मील वार्म्स, सुपर मील वार्म्स, ब्लड वार्म्स या
जो इसके लिए अलग से पैलेट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, जो बेस्ट पैलेट्स हैं वो मार्केट में, वो आप लेकर कोई भी इनको दे सकते हैं जो बेस्ट इनके लिए। लोकल फीड अवॉइड करें, जैसा कि आजकल बहुत सारे लोकल फीड, ओके को प्लाटिना में बहुत लोकल आता है और हम्पी में भी बहुत सारा लोकल आता है। ये सब फीड लोकल करने से होता है, इससे फिशेज़ को प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपकी फिशेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगले वीडियो में इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।